लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए और लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का 62% है। इस लिहाज से देखा जाए तो एक बंदा जो सादकाबाद से जिसका ताल्लुक है उसको लाहौर जाने में 10-12 घंटे के काम, इसी तरह से अगर अटक के कोई रहने वाला है तो उसके लिए लाहौर आना भी 7-8 घंटे की ड्राइव है। तो हम ये समझते हैं कि जितने भी बड़े सूबे हैं उसको डिवाइड करके छोटे यूनिट्स में तब्दील करना चाहिए और सूबा ज़रूर बनना चाहिए, ये अलग बात है। उसका नाम क्या हो इस पर अवामी कंसेंसस डेवलप करके नाम उसको कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके में जिस हक में है सूबा बनना चाहिए और ख़ासतौर पर साउथ पंजाब जो कि महरूमियों का शिकार रहा है, यहाँ के लोगों ने हमेशा महरूमी में रहे हैं, ज़्यादती होती रही है और पंजाब का पैसा पंजाब में और ख़ासतौर पर तख्ते लाहौर पर लगता रहा है। लोगों को मेरे ख्याल में 64 सालों के बाद कुछ कमी हमें ज़रूर देनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करेगी अगर लोगों ने हमें हिम्मत का मौका दिया और अगर हम हुकूमत में आए तो इन शाह हम साउथ पंजाब एक नए सूबे के लिए कोशिश करेंगे। देखो जी, अवेयरनेस सबसे पहला जो काम होता है वो अवेयरनेस का होता है, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो, पब्लिक के अंदर ये ख्वाहिश पैदा की जाए और पब्लिक को मोटिवेट किया जाए और उनको मोबिलाइज किया जाए, तो यकीनन साउथ पंजाब के या सराकिस्तान के जो पार्लियामेंट है ये अपना किरदार अदा कर रही है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये एक काबिल-ए-ताइश अमल है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ये और ज़्यादा यूथ को इस सिलसिले में मोटिवेट